सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे, यानी कि 13 सितंबर मेरा बर्थडे। और ये सुबह मैं पूजा कर रही हूँ। और क्या है कि ये सेकंड पार्ट है प्रीवियस व्लॉग का, तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। ये सुबह की पूजा मैं कर रही हूँ फ्रेश होके, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो ये बनता था। और फिर मॉर्निंग में अब मैं मायका को स्कूल लेने जा रही हूँ और उसको स्कूल से ले आई हूँ, और उसके बाद का प्लान मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में और मेरे बर्थडे में, लेट्स कंटिन्यू। तो देखो क्या हाल हुआ है। मायका को लेने के लिए गई थी मैं इसीलिए तैयार नहीं होती हूँ। देखो पूरा सिंदूर यहाँ से बक के आए तो भी कैमरे में तो क्लियर नहीं आ रहा। मैंने पोंछ दिया काफ़ी, पूरा ऐसे लाल हो गया था मुँह, सिंदूर बक के नीचे आ गया। अरे पूरी देखो, पूरी बैक मैं दिखा नहीं सकती, भीग गई पूरी पसीने से, तर बदर इतना ज़्यादा हो जाता है। अरे मैं क्या कर रही थी, मैंने फ़ैन ऑन करना था। तो ऐसा है, मायका स्कूल से आ गई है और यस, टुडे इज़ माय बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू मी। और 13 सितंबर है आज। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, थक गई। इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा। देखो कितना सिंदूर अभी बगने में, ये सारा निकाल दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप लिपा पोती करके बाहर जाएं, सारी लिपा पोती बराबर हो जानी है। और सुनाइए क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो अब देखो आज मेरा बर्थडे वाला दिन है, कैसा जाता है कैसा नहीं जाता। अभी तो मायका को लेके आई हूँ और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। देखो अगर टाइमली हो गया सब कुछ तो निकल लेंगे, अदरवाइज़ तो फिर घर में सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसा कुछ खास मेरा बर्थडे हमेशा होता नहीं है। अब देखो नंदन क्या इस बारी करते हैं, अदरवाइज़ मैं तो अपने बर्थडे में कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करती, क्योंकि नहीं करती। दूसरों का बर्थडे सेलिब्रेट करके ही मेरा मज़े ले लेती हूँ। अपने बर्थडे में क्या सेलिब्रेट करना, मतलब खुद से क्या मैं सबके अरेंज करूँ, केक वेक बनाऊँ। अपने बर्थडे में तो कोई और करे तो अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं खुद कभी नहीं करती। और इस बार नंदन ने सरप्राइज़ कर दिया, 12 बजे पेस्ट्री वगैरह लेके, अदरवाइज़ ये करते नहीं है कभी इस तरह का काम। आज 5-6 साल से मैंने अपना बर्थडे शायद मनाया ही नहीं, मायका जब से हुई है उसके बाद से मैंने कुछ ऐसा स्पेशल अपने बर्थडे में किया ही नहीं है। तो मायका का बर्थडे ही हम लोग सेलिब्रेट ज़्यादा खुशी से करते थे, अपना मैंने फिर छोड़ ही दिया। अभी तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मायका को ले आई हूँ स्कूल से, उसका एग्ज़ाम था आज कंप्यूटर का। अब कल छुट्टी है और परसों एग्ज़ाम है, तो देखो क्या करते हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में। हूँ देखो, मैंने कहा था ना ऊपर जा रही है वो, कूड़ा। तो मेरे दोस्तों हम जा रहे हैं मॉल मतलब घूम फिर के वही। तो क्या हुआ, एक्चुअली मूवी देखने का टाइम नहीं था क्योंकि नंदन ने कोई ऑफ नहीं लिया था ऑफिस से, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो हमने कहा इतने छोटे टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा अपने आसपास के ही मॉल में घूम सकते हैं। तो बस हम अपने घर के आसपास एक मॉल है वहाँ चले आए, और ये मॉल में थोड़ा सा घुमाई फिराई करी, थोड़ा शॉपिंग करी, मतलब बर्थडे गिफ्ट जो हैं लिए हैं अपने लिए, क्योंकि उसके लिए भी मुझे खुद ही जाना था, क्योंकि नंदन तो ऑब्वियसली नहीं कुछ परचेज कर पाते मेरे लिए मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मम्मी वहाँ पे मम्मी लेने गई हैं और मेरा बैग यहाँ पे बैठा हुआ है, और सब कुछ अभी ठीक है। देखो हमारा तिरंगा, आप सोच रहे हो तिरंगा को इतना उल्टा क्यों किया, पंजाब था ना तो इसलिए कहीं जगह ही नहीं थी, बस यही पे लगा दिया, कहीं और भी नहीं लगाया, बस यही पे लगाया। हाँ मैं तो बेटा वेट कर रहा हूँ बर्गर का, जो कि आपके लिए आने वाला है। आई एम वेटिंग फॉर बर्गर, और आपके लिए भी आने वाला है, तो हम लोग खाएंगे। अच्छा ऐसे ब्लॉग में करते हैं पापा, अच्छा लगता है ऐसे ब्लॉग में करते हो। शायद मैं पहली बार ब्लॉग चला रही हूँ ना। देखो पापा क्या देख रहे हैं। तो गाइस बाय गाइस, आगे का ब्लॉग हम लोग जाते हुए करेंगे। ओह
एडवेंचर। मेरे साथ शेयर नहीं करोगे? मेरा बर्थडे आज। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो मम्मी। हाय गाइस, मम्मी को थैंक यू ये मोना। आज मैं स्कूल से नहीं आया। यहाँ मत जाओ यार, घर में जाके गाना। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं दोनों माँ बेटी। ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और हाँ, इनमें बड़ी गर्मी सी और बड़ी उलझम। मुझे ना ऐसे इस टाइप के कपड़े पहन के ना, मतलब पूरी तरह से ऐसे उलझन होती है, क्योंकि मैं बड़ा ही ना ढीले ढाले लूज से ऐसे झल्ले से कपड़े पहनती हूँ ऑल द टाइम, तो मैं उनमें ना बड़ा कंफर्टेबल हो गई हूँ इस वजह से। और देखो पीछे गुलाबी शाम हो रही है। और ये ना मैं माइका के लिए ना, ये मेरे को गिफ्ट लेके आई थी, तो मैं बच्चों के लिए ना रिटर्न गिफ्ट लेके आई थी। अब बब्बू के लिए भी लाए हम लोग। हाँ, तो बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट लेके आई थी, तो वो जो है रिटर्न गिफ्ट जो है, ये बच्चे मेरे को ना पहले ही मांग दिए, माइका ने पहले ही मांग दिया। ये इस तरह से है। जाओ माई। फ्रेंड्स, लीजिए मेरे बर्थडे का केक, खाइए और प्रभु के गुण गाइए। तो ये हैप्पी बर्थडे टू मी। वर्चुअली आप लोगों ने खा लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। अब इसको ना मैं ही खाऊंगी, क्योंकि दोस्त दोस्त का जूठा खा लेता है।
और अब हम लोग पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट मैम फॉर टुडे, टुडे फॉर योर स्पेशल डे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वंस अगेन। हम प्री वेडिंग गिफ्ट लेते हैं, हम रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं, हम रिटर्न गिफ्ट भी लाए हैं। सो वेयर इज योर रिटर्न गिफ्ट? ये है नंदन का रिटर्न गिफ्ट, ये ले, ये है इन्होंने रिटर्न गिफ्ट, ये दिया नमकीन, कलेवा की नमकीन है ये देखो, बाय वन और गेट वन इसके साथ होगी, तो दो दिए हैं, ये सिर्फ इसको दो मत समझना, ये सिर्फ एक है। थैंक यू, ये मायका की तरफ से आया है रिटर्न गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट नहीं, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है मायका की तरफ से, तो इनमें क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और मायका को मैंने ना ये गिफ्ट किया रिटर्न गिफ्ट में, माई ये मायका का रिटर्न गिफ्ट है। अच्छा मतलब दो लिए है ना, एक भक्ति का रिटर्न गिफ्ट है और एक मायका का रिटर्न गिफ्ट है, तो ये माही ने बब्बू भैया के लिए भी लिया है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन, और बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छा ही रहा, बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी टाइम बाद मैंने इस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, अदरवाइज तो मैं कुछ टाइम से इतना ज़्यादा मतलब कि क्या बताऊँ, दिल से बर्थडे मतलब पता नहीं, बर्थडे है कोई बात नहीं, केक काट लिया बस, वो लेके आ गए तो केक काट लिया, यही वाला था, ऐसा कुछ नहीं था कि इतनी ज़्यादा मैं उत्साहित थी अपने बर्थडे के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम है काफ़ी टाइम बाद मतलब मायका के होने के बाद, क्योंकि मायका जो हुई ना उसके बाद से हम ना उसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में प्लानिंग करते रहती थी, अपना बर्थडे में भूल गई थी कि कुछ ऐसा प्लान भी करना है। तो काफ़ी दिनों बाद आज सुबह निकल रात 12 बजे से, मतलब आज की सुबह के 12 बजे से बहुत मज़े, बहुत अच्छे सरप्राइज़ मिले, नंदन बाहर लेके गए और मायका भी पूरा दिन एग्ज़ाम देख के फिर आ गई मेरे साथ, और हम लोग बाहर घूमने चले गए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, और ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वही ना हम लोग आपस में ही मस्त थे। और फिर अभी आते आते भी मुझे मतलब 6:30 बज गए घर आते आते, और अब कुछ देखेंगे, कुछ खाएंगे तो बनाऊंगी, अदरवाइज़ तो हमारा नाश्ता स्नैक्स वगैरह ज़्यादा हो गया, तो ये मुझे नहीं लगता कुछ खाएंगे तो उनके लिए कुछ स्पेशल बना दूँगी अगर ऑन डिमांड, वो तो बनाना ही पड़ता है चाहे बर्थडे है चाहे नहीं है, तो ऐसा है। तो थैंक यू फॉर बेस्ट विशेस मेरी बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए, थैंक यू मायका, थैंक यू पापा नंदन, और जिन्होंने मेरे को इतनी प्यारी प्यारी विशेस दी सब ने, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद, और मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू सो मच, इट मीन्स अलॉट फॉर मी, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा मायका की बाय बाय भी ले लो भाई, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी कि क्या क्या गिफ्ट मिले, क्योंकि ये व्लॉग काफी लंबा हो गया है। हाँ। इस बार एक गिफ्ट भी मैंने ना भरमार लिया, अब मतलब मैं खुद ही गई थी लेने के लिए, ऑब्वियसली पॉकेट तो नंदन की डीली हुई है, लेकिन सिलेक्शन तो ऑब्वियसली मैंने ही किया था, तो बहुत ही सारे गिफ्ट लिए, जो भी गिफ्ट लिए मैं अपने सारे बर्थडे गिफ्ट नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा जरूर, दोबारा से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर दिखाऊंगी अपने गिफ्ट, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, गुड नाइट। मैं कुछ नहीं जानता। बच गया, ये तो काम से जाता।
माँ इधर की तरफ उड़ाएंगे, ठीक है? पंखे में लग जाएगा नहीं तो। इतने बड़े मजे वाली चीज़ें तो लाइक है। देखा मैं तुम्हारे कितने अच्छे डिजाइन तुम मम्मा के पास मानना।